राजधानी देहरादून में हिमालयी राज्यों में हिमनद झीलों पर खतरे को लेकर केंद्र सरकार काफी सतर्क नजर आ रही है। वहीं उत्तराखंड में भी 5 हिमनद झीलों पर मंडरा रहे संकट को देखते हुए सर्वेक्षण कर आपदा न्यूनीकरण से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही इसके लिए कई संस्थाओं के विशेषज्ञों की 2 टीमें गठित की गई हैं। आपको बता दें कि हिमालयी राज्यों में ऐसी 188 हिमनद झीलें चिन्हित की गई हैं। इनमें उत्तराखंड की 13 झीलें भी शामिल हैं, जिनमें से 5 को जोखिम की दृष्टि से अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। इसके तहत ही NIH रुड़की, GSI लखनऊ, IIRS देहरादून समेत अन्य टीम संयुक्त रूप से 2 हिमनद झीलों का अध्ययन व सर्वेक्षण कर रही है। टीम में CDAC पुणे, IIRS देहरादून, USDMA व ULMMC के विशेषज्ञ शामिल हैं। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। वर्तमान में जो सूचना हमारे पास है, झीलें हमारी सुरक्षित हैं पूरी तरह से, कोई खतरे की बात नहीं है। बट ये था कि हमारी 5 झीलों को क्लासिफाई किया गया है संवेदनशील में, तो उसके लिए कहा गया है कि आप हर साल स्टडी कराइए, क्योंकि जब हमें सूचना मिली उस समय तक काफ़ी समय व्यतीत हो गया था और हम एक झील का सर्वे करा पाए हैं, ग्लेशियर लेक का। तो उसमें हमारी टीम गई थी, टीम ने स्टडी किया है, स्टडी करके रिपोर्ट हमारे पास आने वाली है। बाकी 4 झीलों पर अब हम अगले साल से काम करेंगे, क्योंकि इस समय वहाँ पर जाना संभव नहीं है, ग्लेशियर लेक काफ़ी हाइट पर होती हैं। तो अगले साल से फिर हमारी टीमें रेगुलर जाएंगी, साथ में एक्सपर्ट एजेंसी जो हैं वो भी जाएंगी, देखेंगी फिर वहाँ पे क्या क्या कार्रवाई की जानी है, उसको ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी कि क्या उसमें सुरक्षात्मक कदम उठाए जाने हैं या कोई कार्रवाई की जानी है। कि 5 जिलों में से एक हमारा चमोली जिले में वसुधारा है, पिथौरागढ़ जिले में एक है, दरमा वैली में है, एक मावन में है, एक कुथी में है और दरमा में एक और है। ये 5 जिले हैं, अभी फिलहाल संवेदनशील माना गया है, उसमें कोई खतरे वाली बात नहीं है किसी प्रकार से, जिले सुरक्षित हैं पूरी तरह से। स्टडी करने के बाद होता है कि अगर कोई वहाँ पे हलचल होती है, कोई डिस्टर्बेंस होता है, कोई नुकसान की संभावना होती है, तो फिर हम उसमें जो मिटिगेशन के उपाय हैं वो करेंगे।